अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने लगे थे वाइट चिकन कढ़ाई। मम्मा ने कहा ये प्याज पहले ग्राइंड कर लो। ये हमारे पास प्याज है, हम इसमें दो प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ के, और साथ में हमारे पास मिर्चें हैं, ये हम ब्लेंड कर लें। ये हमने इसका कवर आउट कर दिया और ब्लेंड का करने कर। साथ ही हम टमाटर ऐड करने लगे हैं। एक हमारे पास टमाटर था और साथ हमारे पास दही है, आधा कप हम दही ले लेंगे चाय वाला। और ये हम इसमें डालने लगे जो हमारा मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था। इसको हम इस पतीले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो ग्राइंड किया मिक्सर हम इसको पतीले में डाल के थोड़ी देर से ढक के पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें से वो पानी वगैरह सारा खुश्क हो। फिर हम इसको भी डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। ये हमारा मसाला, ये देखिए ये हमारा मसाला भून गया है। इसमें से वो जो हमने ब्लेंड करके पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। हमने इसको ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लिया। अब ये देखें, इन्होंने इसने साइडों पे हल्का हल्का घी छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें नमक मिर्च शामिल कर लेंगे। एक चम्मच हमने नमक डाल लिया। मैं नमक कम ही यूज़ करती हूँ, आप अपनी हंस जगह का पसंद कर, क्योंकि हल्के नमक का इलाज है, इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हैं। लेकिन तेज़ नमक से सालन का वो जायका ख़राब हो जाता है। नमक कम करने का भी कोई तरीका ना। पिसा हुआ सूखा धनिया एक चम्मच, हमें डाल लिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और अब हम इसको तो कुछ भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें आज मेरे बेटे की फरमाइश है, वाइट कढ़ाई बनाने की, तो इसमें हमने सिर्फ सब्ज मिर्चें ब्लेंड करके हुए शामिल की हैं, और सब थोड़ा काली मिर्च भी मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। तो काली मिर्च से कुछ प्यार मसाला होता है, तो हमें इसमें शामिल नहीं करना, ये नज़दीक यहाँ से वो शामिल करें। दूसरी तरफ देखिए कि हमने ये देखें चिकन हमने तो हल्का सा उसको रोस्ट कर लिया, अब वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और भी फ्राई चिकन हम इसमें डाल देंगे सालन में जो हमने मसाला भुना हुआ था। ये मम्मा ने जीरा डाला है, ये देखेंगे चिकन भुना जा रहा है अच्छी तरह भी मिक्सी भुन जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे, फिर ये अच्छी तरह से गल जाए, बूटी सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसमें लास्ट जो पेनी को फेंक के उसमें काली मिर्च और पनीर दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। ये हमने क्रीम में काली मिर्च डाल के इसे मिक्स कर ली अच्छी तरह। ये देखिए अभी का भी आपको बिल्कुल लोग हम कर लेंगे। और इसमें जी हमने क्रीम फेंट ली मेरे बेटे ने, इतने बड़े वो बाउल में फेंटी है ना कि क्या आपको बताऊं। अब वो सारी क्रीम साफ करके हाथ से, क्योंकि रिजो को ज़ाया नहीं करती अल्लाह ताला ने। ये देखें जी हम जी अच्छी तरह मिक्स करके इसको आंच को बंद कर देंगे। सर्व करते हुए हमें इसमें हल्का सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऊपर से कटिंग करके डाल देंगे। नहीं जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है।